अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपसे मुखातिब हूँ। और आज आपको मालूम है कि लैपटॉप का सेगमेंट होगा, आपकी लाइव कॉल्स होंगी। पिछले हफ्ते तो जाहिर है आपको मालूम ही है, मैंने ज़रा तवील प्रोग्राम किया था प्रेडिक्शन के हवाले से मंथली, तो ये नहीं हो सका था। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं उसकी कसर निकालने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले कॉलर से बात कराइए जी, जोर से बोलिएगा। खातून वालेकुम सलाम जी। हुमायूं भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1987। कितने बजे पैदा हुई आप? 11 बजे। कहाँ पैदा हुई आप? कराची में। कराची में पैदा हुई, एक मिनट दीजिएगा मुझे। देखें, बहुत अच्छी हैं आप, मगर ये बताइए दो, आपको अजीब अजीब किस्म की चीजें और जिसे ये कहना चाहिए डरावने ख्वाब ये फील होते हैं बीबी? हेलो, सब कुछ होता है। हेलो, क्या बोलनी है? बहुत टेंशन में आती है। हाँ, बहुत टेंशन, सही सही थी, ख्वाब की वजह से। अच्छा, दूसरा ये बताएं, बहुत अच्छी हैं आप, ये नहीं कि आप मुझसे बात कर रही हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपका जायचा हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन ये चूंकि आपके जायचे में मंगलिक दोष लगा हुआ है, तो ये इंसान की ना जो शादी का खाना होता है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो आपने भी यकीनन उसी लिए सवाल किया होगा। बिल्कुल। अच्छा चलें, मैं आपको एक अच्छी खबर ये सुनाता हूँ कि मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह का करम हुआ, तो इसी साल नवंबर के महीने से आपकी खाना किस्मत भी, खाना शादी भी, तमाम चीज़ें खुल रही हैं और अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होने वाला है। आप एक काम ज़रूर किया करें बीबी, आज के बाद काला रंग और रेड कलर बिल्कुल ना पहनिएगा आप। सुन रही हैं आप? हेलो, चलें आप स्क्रीन पर, अच्छा चलें, चाहें तो स्क्रीन पे भी नोट कर लें। और आप एक दो सदक़े लिखें, हर मंगल के दिन एक पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पर किसी भी गरीब मुसलमान को दे दीजिए, हर हफ्ते के दिन एक पाव काला चना अल्लाह ताला के नाम पे किसी को दे दीजिए। और आपने वजीफा पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी तकरीबन 9 मरतबा, और दरमियान में आप पढ़िएगा 108 मरतबा या लतीफ़ो या वदूदो या वालियो और उसके बाद या रहमानो या रहीमो, 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह ताहा पढ़ लीजिएगा और 9 मरतबा सूरह कौसर, बहुत मुख्तसर सूरह है, सभी छोटी छोटी हैं, ये पढ़ लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो 2019 का साल आपकी ज़िंदगी में खुशियां और मसर्रतें लेके आएगा। बहुत शुक्रिया खातून, थैंक यू वेरी मच जी। दूसरे कॉलर से बात कराइएगा। अच्छा एक बात मैं बोल दूं ख्वातीन और हज़रात, मुझे अफसोस होता है जब मुझे पता चलता है कि मैं हर शो में बार बार बोलता हूं, शुरू में भी आखिर में भी, कि बराए मेहरबानी फेसबुक पे ना अप्रोच करें, इंटरनेट पे अप्रोच ना करें, मेरे नाम से सब फेक आईडीज हैं, जाली लोग बैठे हुए हैं जो आपको लूटते हैं, तो आप उस पर बिल्कुल कतई तौर पर फ़ोन ना करें। और मैं हमेशा बताता हूँ ARY और मेरा जो ऑफिस है सिर्फ वहाँ रिंग करें, फिर भी आप लोग वहाँ कर देते हैं फेसबुक पे उस चीटर को। चले खैर, बहरहाल कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, हेलो जी, हेलो फरमाइएगा जी, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम खातून, फरमाइए। मैं हुमा बात कर रही हूँ मानसेरा से। हुमा जी फरमाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जी। मैंने अपने भाई के बारे में, चलें भाई की, हाँ भाई की डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1995। 29 दिसंबर 1995 और कितने बजे पैदा हुए?
रात के 3 बजे जुम्मा को वो पेशावर वगैरह के बारे में। नहीं नहीं कहाँ पैदा हुए? पेशावर या मानसेरा? अच्छा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई मेरे ख्याल में मानसेरा में ही। बेचारी की कॉल ड्रॉप हो गई। चले हमने सुन तो लिया ही था। मेरी बहन बड़े अच्छे मौके पे आपने फोन किया। इसका 2016 से बड़ा डिस्टर्ब टाइम चल रहा है और ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो ये 2023 तक इसका अप एंड डाउन चलता रहेगा और इसको ना अजीब अजीब फीलिंग्स होंगी। तो आप एक काम करिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ चीजें ये कर लीजिए। एक तो आपने इसका, चलें ख़वातीन हज़रात एक वक्फे पे जा रहा हूँ, वक्फे के बाद मैं इनके पहले सदक़े बताऊंगा फिर आपकी कॉलें लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। वो खातून जो मानसेरा से कॉल कर रही थी और जिन्होंने अपने भाई के लिए पूछा था, सबसे पहले तो खातून आज के बाद अपना ये मामूल बना लें कि आपने छोटी छोटी गोश्त की हड्डियाँ लेनी है, चिकन की ना हो, छोटी छोटी हड्डियाँ लेनी है, नौ अदद। पीर के दिन ले लें, इतवार के दिन ले लें, फिर रख दें, मगर मंगल को अपने भाई को कहें अपने जिस्म से लगाए और ये गलियों बाजारों में जो आवारा कुत्ते घूमते इनको डाल दें। हर पीर के दिन एक पाव दूध या चावल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। हर हफ्ते के दिन एक पाव काला चना, काली दाल ये किसी को दे दीजिए और आपके भाई ने पढ़ना है मुस्तकिल अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा और दरमियान में 300 मरतबा कलमा तैयबा के साथ मुकम्मल इस्तग़फार पढ़ लें। अल्लाह ने चाह इंशाल्लाह ताला, गो के टाइम ओवरऑल इतना अच्छा नहीं है मगर अल्लाह के हुक्म से और मेरे पंजतन पाक के सदक़े इसी महीने के एंड से इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में बेहतरी होने लगेगी। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। माही भाई मैंने मुझे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं खातून। 10/12/1985 10 दिसंबर जी 1985 और आप कितने बजे पैदा हुई थी? जी मैं रात को तकरीबन 10 से 10:30 के दरमियान, 10 से 10:30 के दरमियान। अच्छा और हुई कहाँ थी आप? कराची में। कराची में हुई थी, एक सेकंड दीजिएगा। शादी में मसाइल तो आपके बेपनाह हैं। और अच्छा आपको बच्चे हुए काफी? नहीं भाई, एक भी नहीं हुआ? नहीं। मिसकैरेज हुआ था कोई? नहीं नहीं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताएं कि ये जो आपका शादी के थोड़े अरसे के बाद से आप अपने घरेलू जिंदगी में या अपनी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार और टेंशन का शिकार रही है आपका तो? जी बिल्कुल। और ये 2017 के जून के बाद से उसमें शिद्दत आई है क्या? 2017 ये जो अभी गुजर रहा है। जी जी। अच्छा एक काम करें बहन, देखें हैं मसले तो हैं, अब आप झूठ बोले नहीं। मुझे ये पूछना था कि खुदा ना खासा ये मतलब मेरी मैरिज, मैं उसी लिए तो मेरी बहन मैं उसी लिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं जरा शुगर कोटेड करता हूँ बातें। मैंने आपसे कहा ना मसले तो हैं, मसले इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ना एक यकीन होता है, मैं मुंह से बहालत मजबूरी अगर नेगेटिव बात बोलनी पड़े बहुत ज्यादा तो बोलता हूँ, वरना मेरा अल्लाह पे ईमान चल रहा होता है कि अल्लाह ताला ये ऐसी दुआ मांग ले या ऐसा कोई काम कर ले कि अल्लाह ताला इसकी वो चीज बंदी की या बंदे की टाल दे। तो अल्लाह पे भरोसा रखे, जहाँ पे ये सिस्टम का एंड होता है वहां से तो मेरे रब की रबूबियत का नुकता आगाज भी नहीं होता, वो तो इसका तख्लीककार है, तो वो रहम फरमाएगा। आपने एक काम ये करना है खातून, एक तो अभी मैंने एक खातून को बताया था ना कि 9 हड्डियां छोटी छोटी गोश्त की वो आप अपने जिस्म से लगा के कुत्तों को डाल दें। दूसरा आप ना हर हफ्ते के दिन, चाहे अगर आप कराची में रहती हैं तो एक काम कर लीजिए, बल्कि रोज का मामूल बना लें, एक रोटी लें उसके 8 टुकड़े करें 8 पीसेस और उनको
जो है जो भी आप खाना खाती है उसमें डिप करके इनको डाल दे। ये ऐसे नौसत भागती है आदमी की। और एक ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, और आप एक दफ़ा सूरह ताहा पढ़ लें और उसके साथ 7 मरतबा सूरह इजाजा नसरुल्लाह वल फतो, यानी सूरह नसर जिसे कहते हैं वो पढ़ लें इंशाअल्लाह अज़ीज़। और शौहर का तसव्वुर करके, और जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, अल्लाह ताला से उनकी हिदायत मांगें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला आपके ताल्लुकात को बेहतर कर दे और खुशगवार कर दे। बहुत शुक्रिया खातून जी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइएगा। सर मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था, उनकी शादी का, उनके फ्यूचर का। नहीं बस आप मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताएं और टाइम ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1989। 6 नवंबर 1989 और कितने बजे पैदा हुए? रात 11:15 बजे। पौने ग्यारह या 12:15 आप बोल रही हैं? नहीं 11:15। कहाँ पैदा हुए? फैसलाबाद में। फैसलाबाद में पैदा हुए, एक सेकंड दीजिएगा। भाई है तो आपका अच्छा, लेकिन ना इसका हर वक्त दिमाग अजीब सा रहता है, ये किसी भी चीज की तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं देता। और 2015 से तो ये बिल्कुल ही बेचारा, जिस काम में भी हाथ डाला है इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है खातून। हेलो सर, ऐसे ही है। और दूसरा एक काम करें इसके लिए, आपने एक काम करना खातून, आपने देखा होगा पंजाबी में कहते हैं तुख मलंगा और उर्दू में कहते हैं तुख में रिहा। अच्छा एक छोटा सा वक्फा है, आप होल्ड पर हैं, मैं आपको वक्फे के बाद बताता हूँ, या आप स्क्रीन पे सुन लीजिए, लाइव प्रोग्राम तो चल रहा है तो आप स्क्रीन पे सुन लीजिएगा। ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स दोबारा लेता हूँ। फिर हुमायूं महबूब आपको खुश आमदेद कहता है। वो खातून जो भाई के लिए पूछ रही थी मुझसे, उनको मैं ये एडवाइस करूँगा, आज के बाद, आज जैसे सैटरडे है ना, एक काम करें, वो जो मैं आपको बता रहा था पंजाबी में तुख मलंगा कहते हैं और उर्दू में तुख में रिहा कहते हैं, वो एक गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच डाल के ये डालें और भाई को कहें एक गिलास उसे पिलाएं, और एक गिलास कोई भी किसी भी इंसान को फी सबीलिल्लाह आप दे दें, और ये करें एवरी सैटरडे। और उसके बाद आपके भाई ने पढ़ना क्या है, इनका लिए सबसे अच्छा है हसबुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, और उसके साथ 300 मरतबा, ये 300 मरतबा या रहमानो अरहमनी, और अव्वल व आखिर दुरूद 3 दफ़ा कर लीजिएगा। ये करें इंशाल्लाह आपके भाई, यही अल्लाह ने चाह तो एक आध महीने में इनको बहुत वाज़े फर्क महसूस होने लगेगा। जी कॉलर से बात कराइएगा। हेलो आपकी आवाज बड़ी मध्यम सी आ रही है। हेलो आप अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें तो आप बेहतर पोजीशन में बात करेंगी। हेलो हेलो खातून, इससे मेरा टाइम गया होता है, जो दूसरे कॉलर होते हैं बेचारे वो भी सफर कर रहे होते हैं। हेलो नेक्स्ट कॉलर को दे दे, वो जवाब ही नहीं दे रही। हेलो स्विच कर दें, दूसरा कॉलर दे दें, क्योंकि देखिए ना आप जो टाइम जाया कर रहे हैं वो समझ लेंगे, वो आपका तो हो रहा है लेकिन मेरा पीछे जो कॉलर वेट पे होता है उसके लिए उसका वक्त जाया हो रहा होता है, तो इसलिए टाइम को वेस्ट ना किया करें। डिस्कनेक्ट की उन्होंने। जी बात कराइएगा। हेलो हेलो हेलो, यार वो आपस की खुसर खुसर में लगे हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इतनी देर क्यों लगा रही हैं बात करने में, टाइम शॉर्ट होता है, बोलिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर, हाँ 1984। और आप कितने बजे पैदा हुई? फजर से पहले सुबह तकरीबन 4 से 5 के दरमियान, कराची में।
नहीं, वो शहर का मसला नहीं है, ये जो टाइम आ जाता है ना, ये बड़ा मसला कर देता है। फजर से पहले 4 और 5 के दरमियान, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। सर मुझे औलाद के बारे में पूछना है। जी, औलाद का ही और अपने बिजनेस के बारे में। बिजनेस के हवाले से? हेलो हेलो, देखें औलाद का खाना आपका डिस्टर्ब तो हुआ हुआ है। आप एक काम करें, आप ना एवरी ट्यूसडे, मंगल के दिन आपने क्या करना है कि एक पाव गोश्त ले लें, जो है वो किसी का भी ले लें, बीफ का ले लें, कोई भी ले लें, चिकन ना हो, वो लेके ना किसी गरीब को आप दे दें अल्लाह के नाम पे। और जब गोश्त दे रही हैं तो एक काम उसी दिन आपने करना है, छोटी छोटी 9 हड्डियां लेनी है और अपने जिस्म से और पेट से लगा के ये कुत्तों को डलवा दीजिए। ये मंगल के दिन आपने दोनों काम करने, और एक पीर के दिन एक पाव दूध दे दीजिए किसी को या चावल दे दीजिए, और हर जुम्मे रात को 3 पीले बेसन के लड्डू अपने हाथ से किसी को दे दें। और खातून, जब हुकूक़ ज़ौजियत के मराहिल से आप गुजर रही हों या वो दरपेश आ रहे हों, तो आपके जिस्म पे याद रखिएगा, येलो, रेड, वाइट, मरून कलर नहीं होने चाहिए। ये जब भी आपके जिस्म के ऊपर होगा, आपके माँ बनने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। और आपने क्या करना है, दूध ले लें, पानी ले लें, उस पर पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, दरमियान में 101 मरतबा आप पढ़ेंगी, या मुसव्विरो, आप स्क्रीन पर नोट कर लीजिए, या मुसव्विरो, या खालिको, या बारियो, या रहमानो, या रहीमो, और उसके बाद 41 मरतबा सूरह इखलास, और 41 टाइम यानी 41 मरतबा आपने पढ़ना है सूरह कौसर। ये पढ़ के आप भी अल्लाह से दुआ मांगिए और वो पानी या दूध पे फूंक के पी लीजिए, और शौहर को भी पिलाइए और खुद भी पीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको औलाद से नवाज देगा। ख़वातीन हज़रात, वक्त अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह सुबह 10 बजे आएगा, मुफीद अफजा बातें होंगी आपके लिए। और हालात तो आप देख ही रहे हैं, जो मैंने आपसे अरसे से अर्ज कर रहा हूँ, सियासी हालात वो आपको नज़र आ रहे हैं। सुनामी भी आ गया इंडोनेशिया में, कितने सैलाब आ रहे हैं दुनिया में। जब सूरज और चांद ग्रहण हुए थे आपसे कुछ बातें की थी, तो खैर चलें, इस मौजू पे कल मौका मिला तो बात करूँगा। एक दरख्वास्त हमेशा आपसे करता हूँ कि मेरी इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, लोगों ने इंटरनेट पे मेरे नाम से फेक आईडीज बना रखी हैं, वो सब जाली हैं, बकवास हैं, और उस पर चीटर बैठे हुए। आप मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही जरिए, नंबर 1 ARY डिजिटल पे, आप जैसे अभी कॉल कर रहे हैं, सुबह 11 से 11:30 में होता हूँ, और इतवार को कल सुबह होऊंगा 10 से 10:30। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए मैं सिर्फ एक जगह बैठता हूँ, और वो जगह है PC होटल कराची, यानी होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची। वहाँ का मेरा नंबर है 3568551, 3568551, और दूसरा नंबर है थ्रू ऑपरेटर 3568501। अभी ना कीजिएगा, अभी कोई नहीं होगा, दोपहर के 3 बजे से रात के 8 बजे तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ओवरसीज लोगों को मैं कहूँगा, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे असिस्टेंट को कहें कि एक नज़र हुमायूं साहब को स्काइप पे, IMO पे, किसी पे भी दिखा दीजिए, आप भी मुझसे बात कर लें, मैं भी आपको देख लूँ, ताकि दोनों को इत्मीनान हो जाए। इंशाअल्लाह ताला इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कल सुबह 10 बजे आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।